हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं लेकर आया हूँ जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री चल रही थी उसका चैप्टर नंबर 10वां। ठीक फ्रेंड, इससे पहले हमने 9 चैप्टर देख लिए थे तो 5-7 दिन से वीडियो नहीं बन पा रही थी, तो आज हम मैं चैप्टर नंबर 10वां कराऊंगा। ठीक फ्रेंड, और इसमें हम देखेंगे धार्मिक और सामाजिक सुधार जो 1857 की क्रांति हुई थी उसके बाद का समय। ठीक फ्रेंड्स, 1858 से देखेंगे। ठीक फ्रेंड, जो 1857 की क्रांति के बाद जो भी कुछ घटा हुआ था वो देखेंगे, धार्मिक और सामाजिक सुधार। ठीक फ्रेंड्स, तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलते हैं वीडियो पर। तो चलिए देखते हैं, पहला है धार्मिक सुधार। ठीक फ्रेंड्स, इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है, ये मात्र कहानी। इसमें जो भी धर्म वगैरह थे हमारे इंडिया में उस टाइम, उसके बारे में बताया गया है। ठीक फ्रेंड्स, समझाने लायक कुछ भी नहीं है, जहाँ समझाने लायक होगा मैं समझाऊंगा। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। पहला है विचारशील। ठीक फ्रेंड, विचारशील भारतीयों ने, ठीक फ्रेंड, विचारशील भारतीयों ने अपने परंपरागत, ठीक फ्रेंड्स, अपने पारंपरिक धर्मों, ठीक फ्रेंड, यहाँ भारतीयों की बात हो रही है, विचारशील भारतीयों ने अपने पारंपरिक धर्मों के सुधार का काम करना आरंभ कर दिया। ठीक फ्रेंड्स, ये 1858 की बात हो रही है, क्रांति के बाद की। ठीक फ्रेंड्स, जो भारतीय थे उन्होंने अपने धर्मों के बारे में सुधार करना आरंभ कर दिया। इसका कारण था कि धर्म उन दिनों, ठीक फ्रेंड्स, धर्म उन दिनों जनता के जीवन का एक अभिन्न अंग समझा जाता था, जो आज भी समझा जाता है। ठीक फ्रेंड्स, पुराने टाइम से ये धर्म हमारे साथ जुड़ा हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, और आज भी ये धर्म हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, वो बात बताई जा रही है। और धार्मिक सुधारों के बिना, ठीक फ्रेंड्स, और धार्मिक सुधारों के बिना सामाजिक सुधार, ठीक फ्रेंड्स, सामाजिक सुधार भी कुछ खास संभव नहीं था। ठीक फ्रेंड्स, धार्मिक सुधार, मान लो पहले धर्म में सुधार होगा उसके बाद ही समाज सुधरेगा। ठीक फ्रेंड्स, ये बात बताई जा रही है कि धार्मिक सुधारों के बिना सामाजिक सुधार भी कुछ खास संभव नहीं था। आगे देखेंगे। ठीक फ्रेंड्स, पहला देखिए, पहला है ब्रह्म समाज। ठीक फ्रेंड, ब्रह्म समाज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं, राजा राम मोहन राय। ठीक फ्रेंड, राजा राम मोहन राय की ब्रह्म परंपरा। ठीक फ्रेंड, राजा राम मोहन राय की ब्रह्म परंपरा को 1840 के बाद, ठीक फ्रेंड, 1843 के बाद देवेंद्र नाथ ठाकुर ने आगे बढ़ाया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा जाता है कि ब्रह्म समाज को 1843 में किसने आगे बढ़ाया था, तो देवेंद्र नाथ ने। ठीक फ्रेंड, देवेंद्र नाथ ठाकुर ने आगे बढ़ाया था। उन्होंने इस सिद्धांत का भी खंडन किया कि वैदिक ग्रंथ अनुल्लेखनीय है। ठीक फ्रेंड्स, किन्होंने, देवेंद्र नाथ ठाकुर ने इस सिद्धांत का खंडन किया कि वैदिक ग्रंथ उल्लेखनीय है। 1866 के बाद इस आंदोलन को केशव चंद्र सेन ने जारी रखा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है केशव चंद्र का नाम। ठीक फ्रेंड, हाँ याद रखना, ब्रह्म समाज में, ठीक फ्रेंड, ब्रह्म समाज ने हिंदू और कुरीतियों को हटाकर उसे एक ईश्वर की पूजा पर आधारित करके तथा वेदों को अनुल्लेखनीय ना मानकर, ठीक फ्रेंड्स, ये बात बताई जा रही है कि ब्रह्म समाज ने हिंदू धर्म की कुरीतियों को हटाकर उसे एक ईश्वर की पूजा पर आधारित करके तथा वेदों को उल्लेखनीय ना मानकर भी वेदों तथा उपनिषदों की शिक्षा के आधार पर, ठीक फ्रेंड्स, शिक्षा के आधार पर उनमें सुधार लाने की कोशिश की। आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, कोशिश की, आगे देखिए, कोशिश की, यहाँ से देखिए, उसने, ठीक फ्रेंड, उसने आधुनिक पश्चाताप दर्शन के बेहतरीन तत्वों को अपना के, ठीक फ्रेंड, ये अपना के लिखा हुआ है, इसने आधुनिक पश्चाताप के दर्शन के बेहतरीन तत्वों को अपना के तथा, यहाँ से है, अपना के तथा अपना आधार मानव वृद्धि को बनाया। ठीक फ्रेंड, इसने जो पश्चाताप आधुनिक जो दर्शन वगैरह थे उनके बेहतरीन तत्वों को अपनाकर तथा अपना आधार मानव बुद्धि को बनाया। ठीक फ्रेंड, उसे यह जांचने की कसौटी बतलाया कि प्राचीन या वर्तमान धार्मिक सिद्धांतों और व्यवहारों में क्या उपयोगी है और क्या अनुपयोगी है। ठीक फ्रेंड्स, अब इन्होंने अपनी बुद्धि से काम लेना आरंभ कर दिया होगा। ठीक फ्रेंड्स, ये बात बताई जा रही है कि उन्होंने अपना आधार मानव बुद्धि को बनाया तथा यह जाँचने की कसौटी बतलाया कि प्राचीन या वर्तमान के जो सिद्धांत वगैरह हैं और जो व्यवहार हैं तो उसमें क्या हमारे लिए उपयोगी और क्या अनुपयोगी है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, आगे देखिए, इस तरह, ठीक फ्रेंड, इस तरह ब्रह्म समाजी मूलतः मूर्ति पूजा अंधविश्वास कर्मकांडों के बल्कि पूरी ब्राह्मणवादी परंपरा के विरोधी थे। ठीक फ्रेंड्स, ये बात बताई जा रही है, इस तरह ब्राह्मण समाजवादी मूलतः मूर्ति पूजा अंधविश्वास कर्मकांडों बल्कि पूरी ब्राह्मणवादी परंपरा के विरोधी थे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आगे देखिए, उन्होंने जाति प्रथा तथा बाल विवाह का जमकर विरोध किया। किन्होंने, ब्रह्मवादियों ने। ठीक फ्रेंड, ये क्या कहते हैं,
जो ब्राह्मण समाज था ना इन्होंने, एक सेकेंड, ठीक है ना, ब्रह्म समाज की बात हो रही है, तो ब्रह्म समाज के जो लोग थे ना, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ, ब्रह्म समाज महान समाज सुधारक भी थे, बट इस लाइन से हमें कोई लेना देना नहीं है, यहाँ से चलते हैं। उन्होंने जाति प्रथा तथा बाल विवाह का जमकर विरोध किया, विधवा पुनर्विवाह, ठीक है ना, विधवा पुनर्विवाह तथा, ठीक है ना, विधवा पुनर्विवाह तथा आधुनिक शिक्षा के प्रसार के भी समर्थक थे, ठीक हो, ठीक है फ्रेंड्स, कौन, ब्रह्म समाज के लोग, यही बात बताई जा रही है। आगे देखिए यहाँ से, इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा उनका प्रभाव अधिकांश नगरीय शिक्षित वर्ग तक ही सीमित था, ठीक है, इसके अलावा उनका जो प्रभाव था वो नगर के जो शिक्षित लोग थे वहाँ तक सीमित था। अब यहाँ से देखेंगे महाराष्ट्र का धार्मिक सुधार आंदोलन, ठीक है, तो देखिए महाराष्ट्र का धार्मिक सुधार, मुंबई, ठीक है, मुंबई या बम्बई, तो देखिए बम्बई प्रांत, ठीक है, बम्बई प्रांत में धार्मिक सुधार, ठीक है, बम्बई प्रांत में धार्मिक सुधार कार्य का आरंभ 1840 में परमहंस मंडली ने आरंभ किया, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बम्बई प्रांत में जो धार्मिक सुधार का आरंभ हुआ था वो 1840 में परमहंस मंडली ने आरंभ किया। इसका उद्देश्य मूर्ति पूजा तथा जाति प्रथा का विरोध करना था। आगे देखिए, विरोध करना था तथा पश्चिमी भारत में पहले, ठीक है, पश्चिमी भारत की बात हो रही, तथा पश्चिमी भारत के पहले धार्मिक सुधारक संभवतः गोपाल हरिदेशमुख थे, ठीक है, कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि महाराष्ट्र में जो धार्मिक सुधार आंदोलन चलाया था किसने चलाया था, तो गोपाल हरिदेशमुख का नाम आएगा, ठीक है, जिन जिन्हें जनता लोकहितवादी भी कहती थी, ठीक है, ये लोकहितवादी के नाम से भी जाने जाते थे, गोपाल हरिदेशमुख, ठीक है, वही बात बताई जा रही है। आगे देखते हैं, उन्होंने हिंदू, ठीक है, उन्होंने हिंदू कट्टर था, ठीक है, उन्होंने हिंदू कट्टरपंथ पर भयानक बुद्धिवादी आक्रमण किए, इन्होंने गोपाल हरि देशमुख ने, ठीक फ्रेंड्स, उन्होंने हिंदू कट्टरपंथ पर भयानक बुद्धिवादी हमले किए या आक्रमण किए और धार्मिक और सामाजिक समानता का प्रचार किया, ठीक फ्रेंड्स, किन्होंने, गोपाल हरि देशमुख ने, ठीक फ्रेंड्स, और धार्मिक और सामाजिक समानता का प्रचार किया था इन्होंने, कहाँ पर, मुंबई में, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए, उन्होंने यह भी कहा था कि, ठीक फ्रेंड, उन्होंने यह भी कहा कि मगर धर्म सामाजिक सुधार की अनुमति नहीं देता, ठीक है, ये कौन कह रहे हैं, गोपाल हरि देशमुख, उन्होंने कहा था कि अगर धर्म सामाजिक सुधार की अनुमति नहीं देता है तो उसे बदल देना चाहिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, बाद में आधुनिक ज्ञान, ठीक है, बाद में आधुनिक ज्ञान के प्रकाश में हिंदू धार्मिक विचारों और व्यवहारों में सुधार लाने के लिए प्रार्थना समाज की स्थापना की गई, इसने, ठीक है, इसने ईश्वर की पूजा का प्रचार किया तथा धर्म को जाति प्रथा तथा रूढ़िवादियों और हितवादियों के वर्चस्व से मुक्त करने का प्रयास किया, किसने। आगे देखिए, संस्कृत के महान विद्वान, ठीक है, संस्कृत के महान विद्वान इतिहासकार आर के, ठीक है, उन्होंने जो संस्कृत के महान विद्वान और इतिहासकार थे आर जी भंडारकर, महादेव गोविंद रनाडे इसके प्रमुख नेता थे। आगे देखते हैं, तेलुगु सुधारक बैरी सेरिलिंगम, ठीक है, तेलुगु सुधारक बैरी सेरिलिंगम के प्रयासों से इसका प्रसार दक्षिण भारत में हुआ, ठीक है, दक्षिण भारत में कौन लेके गया था, ये थे बैरी सेरिलिंगम के प्रयासों से ये दक्षिण भारत में भी गया था प्रार्थना समाज, ठीक है, इसी समय महाराष्ट्र में गोपाल हरि देशमुख, क्या बोल रहा हूँ मैं, इसी समय महाराष्ट्र में गोपाल गणेश, ठीक है, गोपाल गणेश आगरकर भी कार्यस्थ थे, ठीक है, इसी समय महाराष्ट्र में गोपाल गणेश आगरकर भी कार्यस्थ थे, यानी कि लगे हुए थे वहाँ पर, ठीक फ्रेंड्स। अब आगे देखेंगे, रामकृष्ण और विवेकानंद, ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं, रामकृष्ण परमहंस, ठीक है, रामकृष्ण परमहंस एक संत चरित्र व्यक्ति थे, ठीक फ्रेंड, ये इनके करेक्टर से ये संत थे ये बताया जा रहा है। आगे देखिए, धार्मिक, जिन्होंने धार्मिक धार्मिक सत्य की खोज के लिए तथा स्वयं वे ईश्वर का अनुभव, ठीक फ्रेंड्स, वे धार्मिक सत्य की खोज तथा स्वयं में ईश्वर का अनुभव करने में उद्देश्य करने के उद्देश्य से वे मुस्लिम तथा ईसाइयों दरवेशों के साथ भी रहे, ठीक फ्रेंड्स, ये चाहते थे ये धार्मिक खोज के लिए और स्वयं में ईश्वर का अनुभव करने के उद्देश्य से वे मुस्लिम ईसाइयों दरवेशों के साथ भी रहे उन्होंने, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखेंगे, ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, साथ में रहे उन्होंने, ठीक फ्रेंड, यहाँ से देखिए, उन्होंने मुक्ति मुक्ति पाने का मार्ग यहाँ लिखा हुआ है, ठीक फ्रेंड, उन्होंने मुक्ति पाने का मार्ग बताया, ठीक है, उन्होंने मुक्ति पाने का मार्ग बताया, मनुष्य की सेवा ईश्वर की सेवा है, ठीक है, उन्होंने ये कहा था मनुष्य की सेवा करो इसी से मुक्ति मिलेगी, मनुष्य की सेवा ही ईश्वर की सेवा है, क्योंकि मनुष्य
मनुष्य ईश्वर का ही मूर्तिमान रूप है। ठीक फ्रेंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए उन्होंने, ठीक फ्रेंड, उनके धार्मिक संदेशों को उनके महान शिष्य स्वामी विवेकानंद, ठीक फ्रेंड, उनके धार्मिक संदेशों को उनके महान शिष्य स्वामी विवेकानंद ने प्रचारित किया। ठीक फ्रेंड, इनने प्रचारित किया, यहाँ लिखा हुआ विवेकानंद का सबसे अधिक जोर सामाजिक क्रिया पर था। ठीक फ्रेंड, विवेकानंद का सबसे अधिक जोर सामाजिक क्रिया पर था। उन्होंने कहा था कि ज्ञान अगर वास्तविक दुनिया में जिसमें हम रहते हैं कर्म से हीन हो तो व्यर्थ है। ठीक फ्रेंड्स, ये बात कही थी उन्होंने। उन्होंने कहा था कि ज्ञान अगर वास्तविक दुनिया में जिसमें हम रहते हैं कर्म से हीन हो तो यह व्यर्थ ज्ञान है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए 1898। ठीक फ्रेंड्स, 1898 में उन्होंने लिखा था, ठीक फ्रेंड, 1898 में उन्होंने लिखा था, हमारी अपनी मातृभूमि के लिए दो महान धर्म तत्वों तथा इस्लाम का संयोग ही एकमात्र आशा है। ठीक फ्रेंड्स, किन्होंने लिखा था ये? विवेकानंद ने। ठीक फ्रेंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये लाइन। 1898 में उन्होंने लिखा था, हमारी मातृभूमि के लिए दो महान धार्मिक धर्म हिंदू तत्व और इस्लाम का संयोग एकमात्र आशा है। आगे देखिए वेदांत के अनुयायी। ठीक फ्रेंड, वे यहाँ से देखिए यहाँ आए, वे खुद वेदांत के अनुयायी थे जिसे उन्होंने एक पूर्णतः बुद्धि संगत प्रणाली बताया था। ठीक फ्रेंड्स, किसको? वेदांत को। ठीक फ्रेंड, वे खुद एक वेदांत अनुयायी थे जिसे उन्होंने खुद पूर्णतः बुद्धि संगत प्रणाली बताया था। आगे देखिए विवेकानंद ने जाति प्रथा तथा कर्मकांड, पूजा पाठ और अंधविश्वासों पर हिंदू धर्म के जोर देने की निंदा की। ठीक फ्रेंड, तथा जनता में स्वाधीनता, समानता और स्वतंत्र चिंतन की भावना अपनाने का आग्रह किया। ठीक फ्रेंड, समझ गए होंगे यहाँ तक। अब चलते हैं आगे। अब देखिए मानवतावादी। ठीक फ्रेंड, मानवतावादी राहत कार्य तथा सामाजिक कार्य को जारी रखने के लिए 1896 में विवेकानंद ने रामकिशन मिशन की स्थापना की। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हजारों बार ये लाइन पूछी गई होगी कि रामकिशन मिशन की स्थापना किसने की थी, तो विवेकानंद ने कब की थी? 1896 में। ठीक फ्रेंड्स, ये यहाँ ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन इसको आगे बढ़ने से पहले मैं इनका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूँ। इन्होंने 1893, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हजारों बार ये भी लाइन पूछी गई है जो मैं बता रहा हूँ। 1893 में इन्होंने एक धर्म सम्मेलन में भाग लिया था और वो हुआ था शिकागो में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। ठीक फ्रेंड्स, कई बार ये पूछ लेता कि 1893 में धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ था जिसमें विवेकानंद ने धार्मिक सम्मेलन में भाग लिया था, तो वो हुआ था शिकागो में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे चलिए, अब देखते हैं स्वामी विवेकानंद और आर्य समाज। चलिए देखिए उत्तर भारत में। ठीक फ्रेंड, उत्तर भारत में हिंदू धर्म का सुधार का बीड़ा आर्य समाज ने उठाया। ठीक फ्रेंड, उत्तर भारत में जो हिंदू धर्म का सुधार का बीड़ा आर्य समाज ने उठाया था, इसकी स्थापना 1875 में स्वामी विवेकानंद ने की थी। हजारों बार पूछा है ये लाइन से। ठीक फ्रेंड, याद रखना, स्वामी विवेकानंद ने आर्य समाज की स्थापना की थी। कब की थी? 1875 में। ठीक फ्रेंड्स, उनका मानना था कि तमाम झूठी शिक्षाओं से भरे पुराणों की सहायता से स्वार्थी वह अज्ञानी पुरोहित ने हिंदू धर्म को भ्रष्ट कर दिया है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए दयानंद। ठीक फ्रेंड, दयानंद ने वेदों से प्रेरणा प्राप्त की। ठीक फ्रेंड, दयानंद सरस्वती ने वेदों से प्रेरणा प्राप्त की जिनको ईश्वर कृत होने के नाते वे उल्लेखनीय तथा सभी तरह के ज्ञान का भंडार मानते थे। ठीक फ्रेंड, ये वेदों को ही सब कुछ मानते थे, ऐसा बताया जा रहा है यहाँ। अब आगे देखेंगे वेदों। ठीक फ्रेंड, वेदों तथा उनकी अनु ठीक फ्रेंड, वेदों तथा उनकी अनु क्या बोल रहा हूँ ठीक फ्रेंड, चलिए वेद यहाँ से ना, वेदों तथा उनकी अनु उल्लंघनता। ठीक फ्रेंड, उल्लंघनीयता पर इस तरह के पूर्ण निर्भरता। ठीक फ्रेंड, एक सेकेंड, अब देखिए वेदों तथा उनकी अनु उल्लंघनीयता। ठीक फ्रेंड, अनु उल्लंघनीयता पर इसकी इस तरह के पूर्ण निर्भरता ने उनकी शिक्षाओं और रूढ़िवादी रंग में रंग दिया। ठीक फ्रेंड, क्योंकि उनकी अनु उल्लंघनीयता का अर्थ यह है कि मानव बुद्धि अंतिम निर्णय नहीं है। ठीक फ्रेंड, नहीं रही, ये बात बताई जा रही है। उन्होंने ये कहा था कि जो उनका अंतिम था ना, तो जो मानव बुद्धि अंतिम निर्णय नहीं रही। ठीक फ्रेंड, ऐसा कुछ बता रहा है। ठीक फ्रेंड, यहाँ ये बताया जा रहा है वेदों तथा उनकी अनु उल्लंघनीयता पर इस तरह के पूर्ण निर्भरता ने उनकी शिक्षाओं और रूढ़िवादियों में रंग में रंग कर दिया, क्योंकि उनकी अनु उल्लंघनीयता का अर्थ यह है कि मानव बुद्धि अंतिम निर्णय नहीं है। ठीक फ्रेंड, कि मानव बुद्धि से
दिमाग से लिया हुआ जो निर्णय है वो अंतिम निर्णय नहीं माना था इन्होंने। टिब्रेंट आगे चलते हिंदू हिंदू कट्टरपंथ का समर्थन करने की बजाय उन्होंने इस पर हमला किया तथा इसके खिलाफ एक विद्रोह छेड़ा। टिब्रेंट्स आगे देखिए यहाँ से बे टिब्रेंट बे मूर्ति पूजा कर्मकांड पुरोहितवाद तथा खासकर जाति प्रथा और ब्राह्मण द्वारा प्रचलित हिंदू धर्म के विरोधी थे। कौन? दयानंद सरस्वती। टिब्रेंट बे पश्चिमी विज्ञानों के अध्ययन के भी समर्थक थे। टिब्रेंट बे पश्चिमी विज्ञान के अध्ययन के भी समर्थक थे। आगे देखिए स्वामी दयानंद। टिब्रेंट स्वामी दयानंद सरस्वती के कुछ शिष्यों ने बाद में पश्चिमी ढंग की शिक्षा का प्रचार के लिए देश भर में स्कूल खोले कॉलेजों की टिब्रेंट स्कूल को स्कूल तथा कॉलेजों की स्थापना की। टिब्रेंट ये यहाँ लिखा हुआ है दयानंद सरस्वती के कुछ शिष्यों ने बाद में पश्चिमी ढंग की शिक्षा के प्रचार के लिए देश भर में स्कूल तथा कॉलेजों की स्थापना की। ये यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है आगे चलते हैं। इस प्रयास में लाला हंसराज की एक प्रमुख भूमिका रही। ठीक है इस प्रयास में लाला हंसराज की एक प्रमुख भूमिका रही। दूसरी तरफ कुछ आगे देखते हैं। दूसरी तरफ कुछ अधिक परंपरावादी शिक्षा के प्रचार के लिए स्वामी श्रद्धानंद ने 1902 में हरिद्वार के निकट गुरुकुल की स्थापना की थी। ठीक फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बन सकता है कि गुरुकुल की स्थापना किसने की थी? हरिद्वार में श्रद्धानंद ने 1902 में। ठीक फ्रेंड्स याद रखेंगे उन्होंने छुआछूत वंश परंपरा पर आधारित जाति प्रथा की कठोरताओं का विरोध किया। किसनों ने? श्रद्धानंद ने। ठीक फ्रेंड्स आगे चलते हैं। आर्य समाज। ठीक फ्रेंड आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य हिंदुओं को धर्म परिवर्तन से रोकना था। ठीक फ्रेंड जो हमारे लोग जो अंग्रेज धर्म परिवर्तन मुस्लिम धर्म परिवर्तन करा रहे थे वो मुख्य उद्देश्य था इनका धर्म परिवर्तन से हिंदुओं को रोकना। अब आगे चलते हैं। थियोफिजिकल सोसाइटी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं देखिए थियोफिजिकल सोसाइटी की स्थापना संस्कृत ठीक फ्रेंड क्या कहता हूँ थियोफिजिकल सोसाइटी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए में मैडम एच पी ब्लावस्की तथा कर्नल एच एस ऑलकोट द्वारा की गई। ठीक फ्रेंड वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार ये पूछा जाता है कि थियोफिजिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी तो मैडम ब्लावस्की और ऑलकोट ने। ठीक फ्रेंड कहाँ पर की गई थी? अमेरिका में। आगे देखिए बाद में ठीक फ्रेंड बाद में यह हिंदुस्तान आ गई। ठीक फ्रेंड बाद में ये भारत आ गए। कौन? ये ब्लावस्की और ये ऑलकोट बाद में भारत आ गए। इनकी बात बताई जा रही है 1866 में मद्रास के करीब अडियार में उन्होंने सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। हजारों बार ये पूछा जाता है कि जो थियोफिजिकल सोसाइटी का मुख्यालय था ये कहाँ था? ये मद्रास के अडियार में था। ठीक फ्रेंड्स अडियार याद रखेंगे। यहाँ तक हो गया ना। स्थापित किया 1893 में भारत आने वाली यानी बेसेंट के नेतृत्व में थियोफिजिकल सोसाइटी आंदोलन जल्द ही भारत में फैल गया। ठीक फ्रेंड्स अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि पूरे भारत में आंदोलन ये थियोफिजिकल सोसाइटी आंदोलन भारत में किसने फैलाया था तो एनी बेसेंट ने। ठीक फ्रेंड थियोफिसिस्ट का प्रचार करते हुए हिंदू तत्व ठिकरण हिंदू तत्व जरुस्त्र ठिकरण जरुस्त्र ये इस वर्ड को याद रखना ठिकरण जरुस्त्र ठिकरण ये पारसी धर्म है। कई बार यूपीपीसीएस में ये मिलान करने के लिए पूछा गया ठिकरण जरुस्त्र ठिकरण जरुस्त्र पारसी धर्म तथा बौद्ध धर्म जैसे प्राचीन धर्मों की स्थापना प्राचीन धर्मों को पुनर्स्थापित तथा मजबूत किया जाए। ठिकरण ऐसा मानना था इनका थियोफिसिस्ट सोसाइटी की ठीक फ्रेंड्स इनका मानना था। ये देखिए यहाँ लिखा है ना थियोफिसिस्ट प्रचारक थे। कौन? ये थी एनी बेसेंट। जल्दी पूरे भारत में फैल गया थियोफिसिस्ट प्रचार करते हुए हिंदू तत्व जरोस्त्र तथा बौद्ध प्राचीन धर्मों को पुनर्स्थापित और मजबूत किया जाए। आगे चलते हैं उन्होंने महात्मा के पुनरागमन क्या बोल रहा हूँ मैं महात्मा ये ठीक है उन्होंने ये कहा था उन्होंने आत्मा ठीक है उन्होंने आत्मा के पूर्ण आगमन के सिद्धांत पर भी प्रचार किया। ठीक है सिद्धांत का भी उन्होंने आत्मा के जो आत्मा में का पूर्ण जन्म होता है ना उसकी बात बताई जा रही है। उन्होंने आत्मा के पूर्ण आगमन के सिद्धांत का भी प्रचार किया। ठीक है आगे चलते हैं। ठीक है आगे देखिए भारत ठीक है भारत में एनी बेसेंट भारत में श्रीमती एनी बेसेंट के प्रमुख कार्यों में से एक था बनारस केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा है कि बनारस में जो हिंदू केंद्रीय विद्यालय है इसकी स्थापना किसने की थी तो एनी बेसेंट ने की थी लेकिन बाद में इसे मदन मोहन मालवीय ने
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया। ठीक फ्रेंड्स, इसकी स्थापना इन्होंने की थी, बाद में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में इसको विकसित किया था। आगे चलते हैं, अब आगे देखेंगे सैयद अहमद खान। ठीक फ्रेंड्स, सैयद अहमद खान तथा मुस्लिम जो लीग वगैरह स्थापित की थी ना इन्होंने अलीगढ़ में, तो उसकी बात हो रही है सैयद अहमद खान और अलीगढ़ आंदोलन। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए मुसलमानों। ठीक फ्रेंड्स, मुसलमानों में धार्मिक आंदोलनों का आरंभ कुछ देर से उभरा। ठीक फ्रेंड्स, मुसलमानों की बात हो रही है, इनमें धार्मिक आंदोलन कुछ देर से उभरा। आगे देखिए यहाँ से, ठीक फ्रेंड्स, इस दिशा में, ठीक फ्रेंड्स, इस दिशा में 1843 में कलकत्ता में स्थापित मोमडन लिटरेरी सोसाइटी ने किया। ठीक फ्रेंड्स, ये बात बताइए, इस दिशा में आरंभ 1843 में कोलकाता में स्थापित मोमडन लिटरेसी सोसाइटी ने किया। इस सोसाइटी ने आधुनिक विचारों के प्रकाश में धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक प्रश्नों के विचार पर विचार विमर्श को बढ़ावा दिया तथा पश्चिमी शिक्षा अपनाने के लिए उच्च तथा मध्यम वर्ग के मुसलमानों को प्रेरित किया था। ठीक फ्रेंड्स, किसने, जो ये इन्होंने मोमडन लिटरेसी सोसाइटी ने, ठीक फ्रेंड्स, इन्होंने बढ़ावा दिया होगा। आगे चलते हैं मुसलमानों में। ठीक फ्रेंड्स, मुसलमानों में सबसे प्रमुख सैयद अहमद खान थे। ठीक फ्रेंड्स, वे आधुनिक विज्ञान विचारक से काफ़ी प्रभावित थे तथा जीवन भर इस्लाम के साथ उनका तालमेल करने के प्रयास करते रहे। ठीक फ्रेंड्स, प्रयास करते रहे या प्रयास थे, इसके इसके लिए उन्होंने सबसे पहले यह घोषित किया कि, ठीक फ्रेंड्स, आगे उन्होंने सबसे पहले यह घोषित किया कि इस्लाम की एकमात्र प्रमाणिक पुस्तक कुरान है। ठीक फ्रेंड्स, इन्होंने सबसे पहले यह घोषित किया कि इस्लाम की जो प्रमाणिक पुस्तक है वो कुरान है, जो आज भी है। ठीक फ्रेंड्स, सभी इस्लामी लेखन गौण को महत्व दिया। ठीक फ्रेंड्स, इस्लाम को प्रमाणिक माना इन्होंने और सभी इस्लामी लेखन गौण को महत्व दिया। ठीक फ्रेंड्स, जो इस्लामी लेखक वगैरह थे उनकी बात बताई जा रही है। अब आगे चलते हैं, यहाँ देखिए, सैयद अहमद खान का विश्वास था कि मुसलमानों का धार्मिक और सामाजिक जीवन आधुनिक पाश्चात्य विज्ञान और संस्कृति को अपनाकर ही सुधर सकता है। ठीक फ्रेंड्स, पढ़ लीजिए। ठीक फ्रेंड्स, दिखाई दे रहा होगा, आगे चलते हैं, सुधर सकता है, यहाँ तक हो गया ना। आगे देखिए, उन्होंने 1875 में अलीगढ़ में मोमडन एंग्लो इंडियन कॉलेज की स्थापना की। हजारों बार इस लाइन से क्वेश्चन पूछा है तो याद रखना, किन्होंने, सैयद अहमद खान ने कहाँ की थी, अलीगढ़ में मोमडन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। पश्चाताप विज्ञान, ठीक फ्रेंड्स, पश्चाताप विज्ञान संस्कृति का प्रचार करने वाले एक केंद्र के रूप में की। ठीक फ्रेंड्स, इन्होंने इसलिए की थी, जो पश्चाताप विज्ञान और संस्कृति का प्रचार करने वाले के केंद्र के रूप में अलीगढ़ में मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक फ्रेंड्स, बाद में इस कॉलेज का विकास अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में हुआ। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, सैयद अहमद खान ने धार्मिक सहिष्णुता के पक्के समर्थक थे। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, आगे देखिए, मगर, ठीक फ्रेंड्स, मगर अपने जीवन के अंतिम वर्षों में उन्होंने अनुयायियों को उभरते राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होने से रोकने के लिए सैयद अहमद खान ने हिंदुओं के वर्चस्व की शिकायतें करने लगे। ठीक फ्रेंड्स, ये बात बताई जा रही है, मगर उन्होंने जीवन के अंतिम वर्षों में अपने अनुयायियों को उभरते राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होने से रोकने के लिए सैयद अहमद खान ने हिंदुओं के वर्चस्व की शिकायतें करने लग गए थे। ठीक फ्रेंड्स, ताकि इनके अनुयायी थे वो राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल ना हो सके, इन्होंने इसलिए हिंदुओं के वर्चस्व की शिकायतें करना प्रारंभ कर दिया था। आगे देखिए, बेकेवल यह सोचते थे कि मध्य तथा उच्च वर्ग के मुसलमानों का पिछड़ापन खत्म हो, उनका विश्वास था कि जब भारत ठीक फ्रेंड उनका विश्वास था कि जब भारतीय भी विचार व कर्म से अंग्रेज जितने आधुनिक बन जाएंगे। ठीक फ्रेंड्स, यह बात बताई जा रही है कि उनका विश्वास था कि जब भारतीय भी विचार और कर्म से अंग्रेज जितने आधुनिक बन जाएंगे केवल तभी वे सफलता के साथ विदेशी शासन को ललकार सकेंगे। इसलिए उन्होंने सभी भारतीयों तथा खासकर शैक्षणिक रूप में पिछड़े मुसलमानों को सलाह दी कि वे कुछ समय के लिए राजनीति से दूर रहे। ठीक फ्रेंड्स, ये बात बताई जा रही है। आगे देखिए, इसी कारण से वे कोई ऐसा काम नहीं करते थे जिससे सरकार रुष्ट हो जाए। ठीक फ्रेंड्स, कोई ऐसा काम नहीं करते थे जिससे सरकार नाराज हो जाए। दूसरी ओर वे सांप्रदायिकता और अलगाववाद को प्रोत्साहन देने लगे। आगे देखिए, उन्होंने मुसलमानों के मध्यकालीन रीति रिवाज तथा विचार व कर्म की पद्धतियों को छोड़ देने का आग्रह किया। उन्होंने पर्दा प्रथा खत्म करने तथा स्त्रियों में शिक्षा प्रसार करने के का समर्थन किया। उन्होंने बहुविवाह प्रथा तथा
मामूली मामूली बातों पर तलाक का रिवाज खत्म करने के लिए निंदा की होगी। ठीक है ना, इन्होंने इन्होंने देखिए लिखा ना, पर्दा प्रथा खत्म करने के लिए, स्त्रियों को शिक्षा करने के लिए समर्थन किया उन्होंने, बहु विवाह प्रथा और मामूली बातों पर तलाक करने का रिवाज को ख़त्म करने की निंदा की। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ से, चिराग अली, उर्दू शायर, अल्ताफ़ हुसैन आली, नज़ीर अहमद तथा मौलाना सिबली नुमानी, ठीक फ्रेंड्स, सिबली नुमानी आदि अलीगढ़ आंदोलन के प्रमुख नेता थे। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। मोहम्मद इकबाल, ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए मोहम्मद इकबाल के बारे में, आधुनिक भारत का महानतम कवियों में से एक। ठीक फ्रेंड्स, आधुनिक भारत के महानतम कवियों में से एक मोहम्मद इकबाल ने अपनी कविताओं के द्वारा नौजवान मुसलमानों तथा हिंदुओं के दार्शनिक एवं धार्मिक दृष्टिकोण पर गहरा प्रभाव डाला था। ठीक फ्रेंड्स, ये कविता वगैरह लिख के लोगों में जोश बढ़ते होंगे उस टाइम, मोटिवेटर थे ये, अच्छी अच्छी कविताओं के जरिए ये लोगों को मोटिवेट करते होंगे। ठीक फ्रेंड्स, ये बात बताई जा रही है। आगे देखिए, उन्होंने भी निरंतर परिवर्तन तथा अवाध कर्म पर बल दिया और विराग ध्यान तथा एकांतवाद की निंदा की। उन्होंने गतिमान दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया जो दुनिया को बदलने में सहायक हो। ठीक फ्रेंड्स, इन्होंने ये कहा था कि इन्होंने अवाध कर्म पर बल दिया और चिराग विराग ध्यान और एकांतवासी की निंदा की। ठीक फ्रेंड्स, कि ध्यान वगैरह विराग वगैरह एकांतवास की इन्होंने निंदा की थी उन्होंने। ठीक फ्रेंड्स, निंदा की उन्होंने गतिमान दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया जो पूरी दुनिया को बदलने में सहायक था। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, हालांकि बाद में उन्होंने मुस्लिम अलगाववाद का समर्थन किया था कि इन्होंने मोहम्मद इकबाल ने। अब चलते हैं पारसियों के धर्म सुधारक। ठीक फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ से, 1851 में रहमानी मुजद्दा, ठीक फ्रेंड्स, मजद्दा यासन, ठीक फ्रेंड्स, 1851 में रहमानी मजद्दा यासन सभा सभा इसका नाम था, रिलीजियंस रिफॉर्म एसोसिएशन का आरंभ नरोजी परदूनजी, दादाभाई नरोजी, एस एम बंगाली तथा अन्य लोगों ने किया था। ठीक फ्रेंड्स, किस सभा का आयोजन ये था, मजद्दा यासन, ठीक फ्रेंड्स, मजद्दा यासन सभा का स्थापना नरोजी परदूजी, दादाभाई नरोजी, एस एम बंगाली, अन्य लोगों ने किया था। आगे देखिए, इन इन सभी ने धर्म के क्षेत्र में हावी रूढ़िवाद के खिलाफ आंदोलन चलाया और स्त्रियों की शिक्षा तथा विवाह पर कुल मिलाकर स्त्रियों की सामाजिक स्थिति के बारे में पारसी समाज के रीति रिवाजों के आधुनिकीकरण का आरंभ किया। कालांतर में पारसी लोग सामाजिक क्षेत्र में पश्चिमीकरण की दृष्टि से भारतीय समाज से सबसे अधिक अविकसित अंग बन गए थे। ठीक फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। यहाँ से देखें सिखों का धार्मिक सुधार। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ तक हो गया था ना, अभी इन अंग बन गए थे, अब आगे देखेंगे सिखों का धार्मिक सुधार। देखिए, सिख लोगों ने धार्मिक सुधार का आरंभ 19वीं सदी के अंत में हुआ। ठीक फ्रेंड्स, सिख लोगों का धार्मिक सुधार 19वीं सदी के अंत में हुआ जब अमृतसर में खालसा कॉलेज की स्थापना की, लेकिन सुधार के प्रयासों को बल 1920 के बाद मिला जब पंजाब में अकाली आंदोलन का आरंभ हुआ। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए अकालियों। ठीक फ्रेंड्स, अकालियों का मुख्य उद्देश्य गुरुद्वारों के प्रतिबंध का शुद्धिकरण। ठीक फ्रेंड्स, अकालियों का जो मुख्य उद्देश्य था गुरुद्वारों का प्रतिबंध का शुद्धिकरण करना था। आगे देखिए, अकालियों के नेतृत्व में 1920 में सिख जनता ने इन महंतों तथा उनकी सहायता करने वाली सरकार के खिलाफ एक शक्तिशाली सत्याग्रह आंदोलन छेड़ दिया। किन्होंने? अकालियों ने। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए अकालियों ने। ठीक फ्रेंड्स, अकालियों के, यहाँ लिखा हुआ है अकालियों के दबाव में। ठीक फ्रेंड्स, अकालियों के दबाव में सरकार ने। ठीक फ्रेंड्स, अकालियों के दबाव में सरकार ने गुरुद्वारा, ठीक फ्रेंड्स, गुरुद्वारा कानून 1922 में बनाया और 1925 में इसमें संशोधन किया। ठीक फ्रेंड्स, दिखाई दे रहा होगा। आगे चलते हैं। आगे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ लिखा है मूल्यांकन। ठीक फ्रेंड्स, मूल्यांकन आधुनिक युग के, ठीक फ्रेंड्स, मूल्यांकन आधुनिक युग के सभी आंदोलन बुद्धिवाद तथा मानवतावाद के दो सिद्धांतों पर आधारित थे। ठीक फ्रेंड्स, मूल्यांकन युग के सभी आंदोलन बुद्धिवाद समानतावाद के दो सिद्धांतों पर आधारित है। हालांकि अपनी ओर लोगों को खींचने के लिए कभी कभी वे आस्था तथा प्राचीन ग्रंथों का भी सहारा लेते थे। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ तक हो गया ना, कभी कभी वे लोगों को खींचने के लिए आस्था का भी सहारा और ग्रंथों का सहारा लेते थे। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ से नीचे, इनमें से कुछ धर्म सुधारकों ने परंपरा का सहारा लिया और यह दावा किया कि वे केवल अतीत में वास्तविक सिद्धांतों, मान्यताओं और व्यवहारों को ही पुनर्जीवित कर रहे हैं। ठीक फ्रेंड्स, ये बात बताई जा रही है। इनमें से कुछ धर्म सुधारकों ने परंपरा का सहारा लिया
और वह यह दावा किया कि वे केवल अतीत और वास्तविक सिद्धांतों, मान्यताओं और व्यवहारों को ही पुनर्जीवित कर रहे हैं। ठीक फ्रेंड, सब आगे देखेंगे। आगे देखिए रनाडे। ठीक फ्रेंड, रनाडे ने इस निष्कर्ष पर पहुंचते हुए, ठीक फ्रेंड जो रनाडे थे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि समाज एक निरंतर परिवर्तनशील जीवित सत्ता है और सभी और कभी अतीत की ओर पलट नहीं सकती। ठीक फ्रेंड, रनाडे जी का ये कथन था कि समाज एक निरंतर यानी कि आगे बढ़ता हुआ परिवर्तनशील जीवित सत्ता है और कभी अतीत की ओर पलट नहीं सकती। ठीक फ्रेंड्स, यानी कि पीछे पीछे की मुड़ के ओर देख नहीं सकती। ठीक फ्रेंड, समाज आगे ही बढ़ता जाता है, परिवर्तन समाज का नियम है। ठीक फ्रेंड, और समाज जो हमारे जो समाज है वो अतीत की ओर कभी पीछे की ओर पलट नहीं सकती, क्योंकि समाज का काम है आगे बढ़ना। आगे देखिए इस तरह। ठीक फ्रेंड, इस तरह अतीत पर गर्व करने भी करके भी भारतीयों ने आमतौर पर आधुनिक विश्व तथा खासतौर पर आधुनिक विज्ञान की मूलभूत श्रेष्ठता को अपनाने से इनकार कर दिया। ठीक फ्रेंड्स, ये बात बताई जा रही है कि इस तरह अतीत के गर्व करके भी भारतीयों ने आमतौर पर आधुनिक विश्व तथा आमतौर पर खासकर आधुनिक विज्ञान की मूल्यता की जो श्रेष्ठ मानने से इनकार कर दिया। ठीक फ्रेंड्स, फिर ये सब धर्म को मानते थे उस टाइम कि हमारा धर्म ही सब कुछ है। यहाँ बात बताई जा रही है जो आधुनिक जो विज्ञान वगैरह जो विज्ञान था उस टाइम, टेक्नोलॉजी वगैरह थी, तो उसको भी श्रेष्ठता मानने से इनकार कर दिया था धर्म के आगे। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। इसके अलावा आधिकारिक संख्या में लोग अपने भाग को निष्क्रिय रहकर स्वीकार करने तथा मर कर दूसरे जीवन सुधारने की आशा लगाने की बजाय इसी दुनिया में अपने भौतिक और सांस्कृतिक कल्याणों की बात सोचने लगे। ठीक फ्रेंड्स, ये बात बताई जा रही है। इसके अलावा जो अधिकांश संख्या में लोग अपने भाग को निष्क्रिय रहकर स्वीकार करने तथा मर कर दूसरे जीवन में सुधार की आशा करने की बजाय इसी दुनिया में अपने भौतिक और सांस्कृतिक कल्याण की बातें सोचने लगे। ठीक फ्रेंड्स, ये बात बताई जा रही है कि जो लोग वगैरह थे वो अपने मतलब किस्मत वगैरह को छोड़कर मरकर जो कहते हैं ना, इस जन्म में तो कुछ नहीं कर पाया, अगले जन्म में दूसरे जन्म में अपना सब कुछ करूँगा, भाग्य सुधारूंगा, तो वो बात बताई जा रही है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। आगे देखिए धर्म सुधार आंदोलन के दो नकारात्मक पक्षों को भी ध्यान में रखना चाहिए। प्रथम, ठीक फ्रेंड, दो नकारात्मक पक्ष देख रहे हैं। प्रथम था, ठीक फ्रेंड, ये सभी समाज के एक बहुत छोटे भाग यानी कि नगरीय उच्च और मध्यम वर्गीय की आवश्यकताओं को पूरी करते थे। ठीक फ्रेंड्स, इनमें से कोई भी बहुसंख्यक किसानों तथा नगरों की गरीब जनता तक नहीं पहुंचता था। ठीक फ्रेंड, जो ये बात बताइए, दो नकारात्मक पक्ष थे, तो ये इनमें पहला पक्ष था, ये सभी समाज के बहुत छोटे से भाग यानी कि उच्च और मध्यम वर्ग की आवश्यकताओं को पूरा करते थे। इनमें से कोई भी बहुसंख्यक किसानों तथा नगरों को की गरीब जनता तक नहीं पहुंचता था अंत, और ये लोग अधिकांशतः परंपरागत रीति रिवाजों में जकड़े हुए थे। ठीक फ्रेंड्स, अब दूसरी व्यवस्था देखेंगे इसमें। ठीक फ्रेंड, दूसरी पीछे घूमकर अतीत की मान्यता का गुणगान करने तथा धर्म ग्रंथों को आधार मानने की प्रवृत्ति थी। ठीक फ्रेंड, दूसरी व्यवस्था ये थी, दूसरे नकारात्मक प्रभाव यह था, इनकी दूसरी पीछे घूमकर अतीत की मानता और मानता का गुणगान करके और धर्म ग्रंथों को आधार मानने की प्रवृत्ति थी। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। यहाँ से देखिए, इससे नए नए रूपों में रहस्यवाद तथा नकली वैज्ञानिक चिंतनों को बल मिला। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, अतीत में एक स्वर्ण युग पाने की इच्छा के कारण आधुनिक विज्ञान को पूरी तरह नहीं अपनाया जा सका और वर्तमान को सुधारने के प्रयत्नों में बड़ी बाधा थी प्रयत्नों में बाधा पड़ी। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इससे हिंदू, मुसलमान, सिख और फारसी फूट के शिकार होने लगे। आगे देखिए। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ ये बताई जा रही है ना कि बहुत सारे बाधा वगैरह थी और इससे नकली वैज्ञानिक चिंतन को बल मिला, और इसी नकली वैज्ञानिक चिंतन के बल के कारण अतीत में एक स्वर्ण युग की इच्छा करने के कारण आधुनिक विज्ञान को पूरी तरह नहीं अपनाया गया, जिसके कारण वर्तमान को सुधारने के प्रयत्नों में बाधा पड़ी। ठीक फ्रेंड, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि हिंदू, मुसलमान, सिख और पारसी फूट का शिकार होने लग गए थे, ये बात बताई जा रही है। ठीक फ्रेंड, दोबारा बता दिया डिटेल में। आगे चलते हैं। इसके अलावा हर एक हिंदू सुधारक ने
भारतीय अतीत का गुणगान को प्राचीन काल तक सीमित रखा। ठीक ब्रांड, इसके बाद बताई जा रही कि जो हिंदू वगैरह थे, जो भारतीय गुणगान था उसको प्राचीन काल तक ही सीमित रखा, मतलब मॉडर्न होने की या अपडेट होने की कोशिश ही नहीं की। ठीक ब्रांड, आगे देखिए, जैसे खुले दिमाग के व्यक्ति तक ने भारत, भारत की आत्मा या भारत की उपलब्धियों की चर्चा केवल इसी अर्थ में की है कि ये सुधारक भारतीय इतिहास के मध्यकाल को मूलतः पतन काल मानते थे। ठीक फ्रेंड्स, जो ये कह रहे थे, जो खुले दिमाग वाला व्यक्ति था वो भारत की व्याख्या करता है, भारत की आत्मा या भारत की उपलब्धियों की चर्चा केवल इसी अर्थ में की है कि ये सुधारक भारतीय इतिहास के मध्यकाल को मूलतः पतन का काल मानते हैं। ठीक फ्रेंड, ये बात बताई जा रही है, जो खुले दिमाग का, जो A1 क्वालिटी का बंदा हुआ उस टाइम, तो ये भारत का वर्णन कर रहा है कि भारतीय इतिहास जो मध्यकाल था ना, मध्यकाल को भारतीय इतिहास का पतन काल मानता है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। ठीक फ्रेंड्स, अब देखेंगे सामाजिक सुधार। ठीक फ्रेंड्स, सामाजिक सुधार में पढ़ाने लायक कुछ नहीं है, जो कुछ आपने बहुत कुछ पढ़ रखा है इसके बारे में, मैं सिर्फ एकदम स्पीड से चलेंगे यहाँ से। ठीक फ्रेंड्स, इसमें वही स्त्रियों के बारे में बताया जा रहा है। ठीक फ्रेंड्स, जो कुछ आपने पहले पढ़ा होगा, लेकिन मैं यहाँ डीप में पढ़ा रहा हूँ, कभी ना कभी सुना होगा, पढ़ा होगा। ठीक फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ डिटेल में चलेंगे, समझाने लायक ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, सामाजिक सुधार देखेंगे। उस टाइम सामाजिक सुधार क्या हुए थे, धार्मिक सुधार बहुत देख लिए, अब सामाजिक सुधार देखेंगे। तो सामाजिक सुधार में देखिए, नव शिक्षित लोगों ने बढ़ चढ़कर रूढ़िवादी सामाजिक रीतियों तथा पुरानी प्रथाओं को विरोध किया। ठीक फ्रेंड, जो नव शिक्षित लोग थे उन्होंने बढ़ चढ़कर रूढ़िवादी सामाजिक रीतियों तथा पुरानी प्रथाओं का विरोध किया। आगे चलते हैं, उनका विद्रोह सामाजिक समानता और सभी व्यक्तियों को समान क्षमता और मानवतावादी आदर्शों से प्रेरित था। ठीक फ्रेंड्स, जो इन्होंने नव शिक्षित लोगों ने विद्रोह किया था ना, वही बात बताई जा रही है, उनका विद्रोह सामाजिक समानता तथा सभी व्यक्तियों की समान क्षमता और मानवतावादी के आदर्शों से प्रेरित था। अब चलते हैं आगे। ठीक फ्रेंड्स, अब चलते हैं आगे साथ। ठीक फ्रेंड्स, साथ ही सोशल कॉन्फ्रेंस, भारत समाज जैसे कुछ अन्य संगठनों तथा ईसाई मिशनरियों ने भी भारत समाज सुधारक के लिए काफ़ी अहम काम किया। ज्योतिबा गोविंद फुले। ठीक फ्रेंड, अब ये नाम आएंगे ना, ये याद रखना, ज्योतिबा गोविंद फुले, यानी कि ज्योतिबा फुले के नाम से जानते हैं, गोपाल हरि देशमुख, जस्टिस रनाडे, के टी तेलंग, B.M. मालावारी, D.K. कर्वे, सतीपद बनर्जी, बिपिन चंद्रपाल, बैरी सिलिंगम, ये केरल के थे, पीछे पड़ा है। ठीक फ्रेंड, बैरी सिलिंगम, E.B. रामास्वामी, नायंगर, पेरियार और भीमराव अम्बेडकर जैसे प्रमुख व्यक्तियों की भी एक प्रमुख भूमिका रही थी। ठीक फ्रेंड, ये आंदोलन वगैरह चलाने में, अब क्या चलाया था इन्होंने, आगे देखते हैं। तो देखिए, यहाँ सामाजिक आंदोलन की बात हो रही है। ठीक फ्रेंड, सामाजिक आंदोलन, समाज सुधार के आंदोलनों ने मुख्यतः दो लक्ष्यों को पूरा करने का प्रयास किया। ठीक फ्रेंड, जो समाज सुधारक आंदोलन वगैरह इन लोगों ने चलाए थे, तो उनमें जो इनका प्राइम टारगेट था, वो दो लक्ष्य पर इनका प्राइम टारगेट था, तो वो देखेंगे दो लक्ष्य कौन से थे। पहला था स्त्रियों की मुक्ति। ठीक फ्रेंड, स्त्रियों की हालत बहुत ख़राब थी, अभी हम पढ़ेंगे, बताऊंगा मैं कैसे ख़राब थी स्त्रियों की मुक्ति। पहला, ठीक फ्रेंड, ये दो प्रमुख लक्ष्य थे ना, उनमें पहला लक्ष्य था स्त्रियों की मुक्ति, वो देख रहे हैं हम। ठीक फ्रेंड, तो देखिए, भारत में प्रचलित, ठीक फ्रेंड, स्त्रियों की दशा देख रहे हैं, भारत में प्रचलित विभिन्न धर्मों व उन पर आधारित गृहस्थ नियमों ने स्त्रियों को पुरुषों के अधीन कर दिया। ठीक फ्रेंड, जो भारत में विभिन्न धर्म थे और ऊपर से इनका जो घर गृहस्थी वगैरह थी उसकी बात हो रही है। ठीक फ्रेंड्स, पुरुषों के अधीन कर दिया था इस संबंध में। ठीक फ्रेंड, इस संबंध में उच्च वर्गों की स्त्रियों की स्थिति किसानों की औरतों से बेहतर थी। ठीक फ्रेंड, जो A1 क्वालिटी की जो स्त्रियां थी ना, उच्च वर्गों की स्त्रियों की स्थिति बार। ठीक फ्रेंड, देखिए यहाँ थे ना, जो यहाँ बात बताया जा रही, जो उच्च वर्ग की जो महिलाएं थी उनकी स्थिति किसानों की औरतों से अच्छी थी। ठीक फ्रेंड्स, यानी कि जो एक फार्मर लेडी होती है उनसे अच्छी थी जो उच्च वर्ग की महिलाएं थी, उनकी कंडीशन। ठीक फ्रेंड, आगे देखिए, अपनी प्रतिभा। ठीक फ्रेंड, अपनी प्रतिभा इच्छाओं को अभिव्यक्ति के लिए घरेलू महिलाओं से भिन्न कोई भी अन्य भूमिका प्राप्त ना थी। ठीक फ्रेंड, ये बात बताई जा रही, जो अपनी प्रतिभा या इच्छाओं के अभिव्यक्ति के लिए घरेलू महिलाओं को कोई भिन्न यानी कि कोई अन्य भूमिका प्राप्त नहीं थी। ठीक फ्रेंड, मतलब घरेलू काम वगैरह ही इनका मतलब प्राइम टारगेट था, इसके अलावा कोई अन्य भूमिका इनको प्राप्त नहीं थी। देश, ठीक फ्रेंड, यहाँ से देखिए, देश की काफ़ी बड़े भूभाग पर स्त्रियों को पर्दे में रखा जाता था। ठीक फ्रेंड्स, देश में काफ़ी मतलब काफ़ी जो एरिया था देश का, मतलब आधे, ये बताया जा रहा है कि देश के काफ़ी बड़े भूभाग पर स्त्रियों को पर्दे में रखा जाता, बाल विवाह की प्रथा आम थी।
बाल विवाह प्रचलित था उस टाइम। विधवाएं ठीक है, विधवाएं पूर्ण विवाह नहीं कर सकती थी, ठीक है, विधवाएं पूर्ण विवाह नहीं कर सकती थी। देश ठीक है, देश के अनेक भागों में सती प्रथा प्रचलित थी, ठीक है, विधवाएं पूर्ण विवाह नहीं कर सकती थी। देश के अनेक भागों में सती प्रथा प्रचलित थी, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं थोड़ा तेज चल रहा हूँ क्योंकि ये सिंपल वे में लिखा हुआ है। देश के अनेक भागों में सती प्रथा प्रचलित थी। हिंदू स्त्रियों को अधिकार हिंदू स्त्रियों को अधिकार के अधिकार में संपत्ति पाने का अधिकार नहीं था, ठीक ठीक फ्रेंड्स। हिंदू स्त्रियों को उत्तराधिकार में संपत्ति पाने का हक नहीं था, उसे अपने ठीक फ्रेंड्स। ये बात बताई जा रही है कि हिंदू जो स्त्रियां थी उनको उत्तराधिकार में संपत्ति पाने का हक नहीं था, ठीक फ्रेंड्स, लेकिन आगे जाके इनको मिल जाता है क्योंकि अब सब कुछ इक्वल हो गया। हमारी देश की सुप्रीम कोर्ट ने सबको हक बराबर का दिया, अभी आगे बढ़ेंगे ठीक फ्रेंड। उसने हक नहीं था ना, उन्हें ना उसे अपने दुख में विवाह को रद्द करने का कोई हक था, ठीक फ्रेंड। मान लो सुख में शादी हो रही है, दुख में ठीक फ्रेंड, मान लो, तो वही बात बताई जा रही है, उन्हें अपने दुख में विवाह को रद्द करने का कोई हक नहीं था। मुसलमान स्त्रियों को संपत्ति ठीक फ्रेंड, मुसलमान स्त्रियों की बात हो रही है, मुसलमान स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार मिलता था, मिलता तो था मगर पुरुषों का केवल आधा। और तलाक के बारे में स्त्री और पुरुषों के बीच सैद्धांतिक समानता भी ना थी, ठीक है, मतलब किसी भी टाइम तलाक हो जाता था और पुरुष स्त्रियों को अधिकार मिलता था प्रॉपर्टी का, बट पुरुषों से आधा, ठीक है, ये बात बताई जा रही है। इसके अलावा दोनों ही सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से पुरुषों पर ही पूरी तरह निर्भर थी, ठीक है। इसके अलावा स्त्रियों की बताई जा रही है कि इसके अलावा दोनों सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पुरुषों पर आधारित थी स्त्री, ठीक है। अंतिम बात यह है कि शिक्षा के लाभ में उनमें अधिकांश अधिकांश को प्राप्त नहीं था, ठीक है। शिक्षा की बात हो रही है कि शिक्षा का जो लाभ होता है अधिकांश स्त्रियों को प्राप्त नहीं था, ठीक है, ये बात बताई जा रही है। आगे चलते हैं 19वीं सदी, ठीक है। 19वीं सदी के समानतावादी, ठीक है, 19वीं सदी में मानवतावादी समानतावादी विचारों से प्रेरित होकर समाज सुधारकों ने स्त्रियों की दिशा सुधारने के लिए एक शक्तिशाली आंदोलन छेड़ा। आगे देखिए यहाँ से 1880 के दशक में, ठीक है, 1880 के दशक में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन की पत्नी लेडी डफरिन के नाम पर अस्पताल खोले गए, ठीक है। आधुनिक औषधि, ठीक है, आधुनिक औषधि यानी कि दवाइयों की बात हो रही है। आधुनिक औषधि तथा प्रसव की आधुनिक तकनीकों के लाभ भारतीय स्त्रियों को उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया, ठीक है। जो ये क्या कहते हैं, जो क्या बोल जो मतलब डफरिन था ना, इसकी वाइफ के नाम पर अस्पताल खोले गए और इसमें आधुनिक टेक्नोलॉजी की दवाइयाँ और जो प्रसव वगैरह की कंडीशन होती है महिलाओं को, इसके बारे में ज्ञान वगैरह प्रोवाइड कराया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं स्वतंत्रता के संघर्ष में, ठीक है। स्वतंत्रता के संघर्ष में स्त्रियों ने बंग बंग आंदोलन, ठीक है, स्वतंत्रता के संघर्ष में बंग बंग आंदोलन, बंग बंग विरोधी आंदोलन तथा होम रूल का आंदोलन, और उन्होंने बड़ी संख्या में भाग लिया था, ठीक है। सब स्त्रियों के बारे में बात हो रही है कि स्त्रियाँ ने कहाँ कहाँ भाग लिया था। स्वतंत्रता के संघर्ष में स्त्रियों ने बंग बंग आंदोलन, बंग बंग विरोधी आंदोलन, होम रूल आंदोलन में बड़ी संख्या में स्त्रियों ने भाग लिया था। 1918 के बाद राजनीतिक जुलूसों में भी चलने लगी थी, ठीक है। 1918 से जो ये जुलूस वगैरह निकलते थे राजनीतिक जुलूस, इसमें भी स्त्रियां चलने लगी थी। विदेशी वस्त्र तथा शराब बेचने वाली दुकानों पर धरना देने लग गई थी कौन, स्त्रियाँ, ठीक है। और खादी बुनने, ठीक है, एक सेकेंड अब दिखाई दे रहा हुआ, और खादी बुनने तथा उनका प्रसार करने लगी थी, ठीक फ्रेंड्स, ये बात बताई जा रही है। असहयोग आंदोलनों में वे जेल गईं कौन, स्त्रियां, ठीक फ्रेंड्स। असहयोग आंदोलन में वे जेल गईं तथा वे विधानमंडलों के, ठीक फ्रेंड्स, वे विधानमंडलों के चुनावों में वोट डालने तथा उम्मीदवारों के रूप में खड़ी होने लग गई थी कौन, स्त्रियाँ, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए कवित्री, ठीक फ्रेंड्स, कवित्री सरोजिनी नायडू राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। अनेक स्त्रियां 1937 में बनी जनप्रिय सरकारों में मंत्री या सचिव के पद पर पहुंची या बनी रही, ठीक फ्रेंड्स, ये बात बताई जा रही है। अनेक स्त्रियां 1937 में बनी जनप्रिय सरकारों में मंत्री या संसदीय सचिव बनी। आगे देखते हैं 1920 के दशक में जब ट्रेड यूनियन और किसान आंदोलन खड़े हुए तो अक्सर स्त्रियां, ठीक फ्रेंड्स, जो ट्रेड यूनियन और किसान आंदोलन होता था तो उसमें भी लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट करती थी स्त्रियाँ, ठीक फ्रेंड्स, यही बात बताई जा रही है। 1910 में ट्रेड यूनियन और किसान आंदोलन खड़े हुए तो अक्सर स्त्रियां उनकी पहली पंक्ति में दिखाई देती थी, ठीक फ्रेंड, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वाली बात हो रही है कि स्त्रियां सबसे आगे रहती थी। आगे चलते हैं आत्मविश्वास, ठीक फ्रेंड, आत्मविश्वास प्राप्त स्त्रियों ने, ठीक फ्रेंड, आत्मविश्वास प्राप्त स्त्रियों ने अनेक संस्थाओं और संगठनों को खड़ा किया।
इसमें सबसे प्रमुख ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस जो 1927 में स्थापित हुआ था, ठीक फ्रेंड्स, इसकी बात बताई जा रही है, इसको याद रखना। 1927 में कोई क्या हुआ था, ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी। आगे देखिए, भारतीय संविधान 1950 की धारा 14 और 15 में स्त्रियों व पुरुषों को पूर्ण स्वतंत्रता की गारंटी है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक फ्रेंड, समानता की गारंटी बताया गया 1926, ठीक फ्रेंड। 1926 में हिंदू अधिकारों 1926 में हिंदू उत्तराधिकारी कानून ने पिता की संपत्ति में बेटे और बेटी को बराबर अधिकार दिया है, ठीक फ्रेंड, पहले अधिकार नहीं था लेकिन अब कर दिया है। 1956 में हिंदू उत्तराधिकार कानून ने पिता की संपत्ति में बेटे और बेटे को बराबर का अधिकार दिया। 1956 में बहु हिंदू विवाह कानून में कुछ विशिष्ट आधारों पर विवाह संबंधों भंग करने की छूट दी है, ठीक फ्रेंड्स। पहले मतलब इसको संपत्ति का अधिकार नहीं था लेडीजों को, लेकिन अब पिता की संपत्ति में आधा आधा है, ठीक फ्रेंड। पहले विवाह इनके ऊपर ऐसा ही थोप दिया जाता था, वो पीछे हम लाइन पढ़ के आए ना कि इनको दुख में विवाह टालने का भी कोई अधिकार नहीं था, तो वही बात बताई जा रही है। यहाँ देखिए, 1955 में हिंदू विवाह कानून के कुछ विशिष्ट आधारों पर विवाह संबंध भंग करने की छूट दी गई है। स्त्री पुरुष दोनों के लिए एक विवाह अनिवार्य बनाया गया है, ठीक फ्रेंड्स। लेकिन दहेज प्रथा की बुराई अभी तक जारी है, ठीक फ्रेंड्स, ये आज भी जारी है और जारी रहेगी आगे तक, पता नहीं कब खत्म होगी ये। आगे चलते हैं, अभी तक जारी है, यहाँ तक हो गया ना। आगे देखिए, संविधान के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत में स्त्री पुरुष को समान काम के लिए समान वेतन का सिद्धांत जारी किया गया है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक फ्रेंड्स। और आई थिंक ये है 43A में कहा गया, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, अगर मैं करेक्ट हूँ ना, अगर मेरा दिमाग ठीक से काम कर रहा है, तो आई थिंक ये 43A में कहा गया है, सामाजिक कार्य के लिए समाज वेतन मिलेगा, ठीक फ्रेंड्स। बाकी आप चिंता मत करना, पोल्टी की एक दो वीडियो अपलोड हुई हैं, ठीक फ्रेंड्स। पहली पोल्टी की वीडियो है, जितने पोल्टी के जितने सारे वो अनुच्छेद है ना, एक ही वीडियो में कंप्लीट करा दिए हैं। पोल्टी के नाम से प्ले लिस्ट बना दी है, और चैप्टर वाइज पोल्टी की मैं आपको सीरीज करवाऊँगा, ठीक फ्रेंड्स, चैप्टर वाइज एकदम डिटेल में। तो चलिए आगे देखते हैं, जाति प्रथा के विरुद्ध संघर्ष, ठीक फ्रेंड्स। अब स्त्रियों की मुक्ति देख ली, अब जाति प्रथा देखेंगे, ठीक फ्रेंड्स। इस समय हिंदू अनगिनत जातियों में बटे हुए थे, ठीक फ्रेंड। इस समय हिंदू अनगिनत जातियों में बटे हुए थे जो आज भी है, ठीक फ्रेंड्स। कई व्यक्ति, ठीक फ्रेंड, कोई व्यक्ति उस जाति का जन्म लेता है, ठीक फ्रेंड, ये बात बताई जाए, कोई व्यक्ति जिस जाति में या उस जाति में जन्म लेता है उसी के नियमों से उसके जीवन पर एक बड़ा भाग संचालित होता है, ठीक फ्रेंड। मान लो कोई व्यक्ति किसी परिवार में जन्म लेता है, कोई राजपूत है, कोई जाट है, कोई अहीर है, तो उसी उसी के नियमों के आधार पर उसका जीवन चलता है, ठीक फ्रेंड, ये बात बताई जा रही है उसकी। आगे देखिए, इस व्यवस्था में सबसे नीचे अछूत आते थे वे, ठीक फ्रेंड। अब इन अछूतों की कंडीशन देखना कितनी बुरी थी उस टाइम। इस व्यवस्था में सबसे नीचे अछूत आते थे जो हिंदू आबादी का लगभग 20% थे, यानी कि 100 में से 20%, ठीक फ्रेंड्स। इन्हीं को बाद में अनुसूचित जनजाति कहा जाने लगा। आगे देखते हैं, वे हिंदू मंदिरों में नहीं जा सकते थे और ना शास्त्र पढ़ सकते थे, ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्राचीन काल से चली आ रही है ये बात। कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अछूतों को या फिर शूद्रों को शास्त्र पढ़ने की अनुमति थी, नहीं थी, ठीक फ्रेंड्स। ये देखिए, वे हिंदू के मंदिरों में नहीं जा सकते थे और शास्त्र नहीं पढ़ सकते थे, अक्सर उनके बच्चे और ऊंची जातियों के बच्चों को स्कूल में नहीं जा पाते थे, ठीक फ्रेंड, ये बात बताया जा रहा है कि जो नीची जाति के बच्चे थे ना, अछूतों के बच्चे थे, वो ऊंची ऊंची जातियों के बच्चों के साथ स्कूल नहीं जा सकते थे, ठीक फ्रेंड, वो बात बताई जा रही है। उनके बच्चे ऊंची जातियों के बच्चों के स्कूल में नहीं जा सकते थे, मतलब एडमिशन नहीं मिलता था, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, पुलिस तथा सेना जैसी सरकारी नौकरियों के लिए उनके लिए नहीं थी, ठीक फ्रेंड, पुलिस तथा सेना की सरकारी नौकरियां उनके लिए नहीं थी, किनके लिए, अछूतों के लिए, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, वे जमीन के मालिक नहीं बन सकते थे और इनमें से अनेकों को बटाईदारी और खेती मजदूरी करनी पड़ती थी, ठीक फ्रेंड, सही बात है, जब यहाँ मालिक नहीं बनेंगे, खेत वगैरह नहीं होगा, तो वो बटाईदारी और मजदूरी ही करेंगे, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, मैं इसलिए थोड़ा स्पीड में चल रहा हूँ क्योंकि ये सिंपल भाषा में लिखा हुआ है, यहाँ समझाने लायक कुछ भी नहीं है, ठीक फ्रेंड्स। यहाँ देखो लिखा है ना कि जमीन के मालिक नहीं बन सकते थे,
फ्रेंड्स, तो ये मालिक नहीं बन सकते थे, इसको समझाने का क्या है, सिंपल भाषा में लिखा हुआ है, समझाने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, तो यहाँ से देखिए, जाति जाति चेतना खासकर विवाह संबंधों के बारे में मुसलमानों। ठीक फ्रेंड्स, जाति चेतना खासकर विवाह संबंधों के बारे में मुसलमानों। आगे देखते हैं, मुसलमानों ईसाइयों तथा सिखों में भी रही। ठीक फ्रेंड्स, ये जो जाति चेतना चल रही थी वो ईसाइयों और सिखों में भी रही तथा वे भी कम उग्र के रूप में रही। ठीक फ्रेंड्स, थी तो इनमें भी सिखों और ईसाइयों वगैरह, बट थोड़े नाम मात्र की थी, वही बात बताई गई, तथा वे कम उग्र के रूप में रही, अछूत छुआछूत। ठीक फ्रेंड्स, छुआछूत का पालन करते रहे। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ से बताई जा रही है, सिखों में भी रही तथा वे भी कम उग्र के रूप में सही छुआछूत का पालन करते रहे। ठीक फ्रेंड्स, कौन? ईसाई और सिख लोग, ये भी छुआछूत का पालन करते थे, दूर ही रहते थे। ठीक फ्रेंड्स, नीची जातियों से आगे चलते हैं। ब्रिटिश शासन ने ऐसी अनेक शक्तियों को जन्म दिया जिन्होंने धीरे धीरे जाति प्रथा और जोड़ों जोड़ों को कमजोर कर दिया। ठीक फ्रेंड्स, ये बात बताई जा रही है, ब्रिटिश शासन ने धीरे धीरे अनेक शक्तियों को जन्म दिया जिन्होंने जाति प्रथा की जड़ों को कमजोर कर दिया। आधुनिक उद्योगों, ठीक फ्रेंड, आधुनिक रेल बसों के आरंभ ने तथा बढ़ते नगरीकरण के कारण खासकर शहरों में विभिन्न जातियों के लोगों के बीच संपर्क का अपरिहार्य बना दिया। ठीक फ्रेंड, ये बात बताई जा रही है कि जो ब्रिटिश शासन ने ऐसे नियम ऐसी शक्तियाँ उत्पन्न कर दी थी जिन्होंने जाति प्रथा को धीरे धीरे कमजोर कर दिया, और आधुनिक जो विकास हुआ था रेलों का बसों के आरंभ से बढ़ते नगरीकरण के कारण, मतलब ये जब से ये रेल और बसें चली होंगी तब से लोग पलायन करना शुरू हो गए होंगे, इधर से उधर जाना शुरू हो गए, इसके कारण वे शहरों के विभिन्न जातियों के लोगों के बीच संपर्क का अपरिहार्य बना दिया। ठीक फ्रेंड्स, आजकल तो ये हमारे यहाँ तो नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, हमारे इधर हरियाणा वगैरह में ज़्यादा तो नहीं है ये, बट है थोड़ा बहुत। आगे चलते हैं, प्रशासन। ठीक फ्रेंड्स, प्रशासन के क्षेत्र में अंग्रेजों ने कानून के सामने सबकी समानता के सिद्धांत लागू किया। जातिगत पंचायत और उनके न्यायिक काम छीन लिए। ये बात बताई जा रही है कि जातिगत पंचायतों से उनके न्यायिक काम छीन लिए और प्रशासनिक सेवाओं के दरवाजे धीरे धीरे सभी जातियों के लिए खोल दिए। ठीक फ्रेंड्स, अंग्रेजों की बात हो रही है, ये देखिए यहाँ से लिखा है ना, प्रशासन के क्षेत्र में अंग्रेजों के सामने सबकी समानता और सिद्धांता के कानून लागू किया। जातिगत पंचायतों ने उनके न्यायिक काम छीन लिया और प्रशासनिक सेवाओं के लिए धीरे धीरे दरवाजे हर जाति के लिए खोल दिए गए। इसके अलावा नई शिक्षा प्रणाली पूरी तरह धर्म निरपेक्ष है और इसलिए वह मूलतः जातिगत भेदों तथा जातिगत दृष्टि की विरोधी है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, सिंपल वे में लिखा हुआ है, ब्राह्मण समाज। ठीक फ्रेंड, ब्राह्मण समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोफिजिकल सोसाइटी। ठीक फ्रेंड्स, थियोसोफी, सोशल कॉन्फ्रेंस तथा 19वीं सदी में लगभग सभी महान सुधारकों ने इस पर हमले किए। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, किस पर हमले किए, ये जातिवाद चल रहा था ना, उसकी बात बताई जा रही है। आगे देखते हैं, उन्होंने खासकर, ये देखिए वहाँ बताया जा रहा है, उन्होंने खासकर छुआछूत की अवमाननीय प्रथा की निंदा की। ठीक फ्रेंड्स, जो मैं बता रहा हूँ ना, ये जाति प्रथा चल रही थी छुआछूत वाली, इन लोगों ने, ठीक फ्रेंड्स, जो इन लोगों के नाम लिखे हुए हैं, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, इन लोगों ने विरोध किया था, और खासकर उन्होंने छुआछूत की अवमानवीय प्रथा का निंदा की। ठीक फ्रेंड्स, प्रथा की निंदा की। आगे देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन में उन तमाम संस्थाओं का विरोधी था। ठीक फ्रेंड्स, राष्ट्रीय आंदोलन उन तमाम संस्थानों का विरोधी था जो भारतीय जनता को बांट कर रखती थी। ठीक फ्रेंड्स, भारतीय जनता को बांट कर रखती थी, जन प्रदर्शनों, विशाल जनसभाओं तथा सत्याग्रह के संघर्षों में सबकी भागीदारी भी इतनी भागीदारी ने भी जातिगत चेतना को कमजोर बनाया। ठीक फ्रेंड्स, ये बात बताई जा रही है, जो राष्ट्रीय आंदोलन की जो तमाम संस्थाएं वगैरह थी, तो जो भारतीय जनता को बांट कर रखती थी, ऐसे का इन्होंने विरोध किया था। जन प्रदर्शनों, विशाल जनसभाओं तथा सत्याग्रह के संघर्षों में सबकी भागीदारी ने भी जाति चेतना को कमजोर बना दिया था। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, आगे देखिए, गांधी जी ने अपनी सार्वजनिक गतिविधियों में छुआछूत को खत्म करने या खात्मे को जीवन भर एक प्रमुख काम मानते रहे। ठीक फ्रेंड्स, गांधी जी ये मानते रहे कि उनकी पूरी ज़िंदगी में वो यही करते रहे, छुआछूत को ख़त्म करने के लिए एक प्रमुख काम मानते रहे। 1932 में उन्होंने इस उद्देश्य से अखिल भारतीय
हरिजन संघ की स्थापना की, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1000 बार ये पूछा गया कि अब हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी, महात्मा गांधी ने की थी, कब की थी, 1932 में। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखेंगे, उनका यह तर्क था कि हिंदू शस्त्रों में छुआछूत का कोई मान्यता ना दी जाए। ठीक फ्रेंड्स, ऐसा मानना था महात्मा गांधी का कि हिंदू धर्म में कोई भी या हिंदू शास्त्रों में कोई भी छुआछूत ना रहे। ठीक फ्रेंड्स, सब लोग इक्वल रहे। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, ये लास्ट पर आया हमारे चैप्टर का। ठीक फ्रेंड्स, शिक्षा। ठीक फ्रेंड्स, शिक्षा शिक्षा तथा जागृति फैली तो निचली जातियों ने। ठीक फ्रेंड्स, शिक्षा शिक्षा तथा जागृति फैली। ठीक फ्रेंड्स, जब शिक्षा वगैरह हमारा देश में आई और जो मॉडर्न लोग हुए थोड़े बहुत पढ़ लिख कर, उसकी बात बताई जा रही। शिक्षा तथा जागृति फैली तो निचली जातियों ने अपने मूल मानव अधिकारों के प्रति सचेत हुए और उनकी रक्षा के लिए उठकर खड़े हुए। ठीक फ्रेंड्स, जो कि आज भी देखा जाता है। आगे चलते हैं, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 19वीं सदी के उत्तरार्ध में एक निचली जाति में जन्मे ज्योतिबा फुले ने ब्राह्मणों की धार्मिक सत्ता के खिलाफ जीवन भर आंदोलन चलाया। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र में जो 19वीं सदी के उत्तरार्ध में एक निचली जाति में जन्मे थे, ये ज्योतिबा फुले, इन्होंने क्या कहते हैं, इन्होंने ब्राह्मण की सत्ता के खिलाफ जीवन भर आंदोलन चलाया। आगे देखिए, वे आधुनिक शिक्षा के निचली जातियों की मुक्ति का सबसे शक्तिशाली अस्त्र समझते थे। ठीक फ्रेंड्स, ये बात बताई जाएगी, वे आधुनिक शिक्षा को निचली जातियों की मुक्ति का सबसे बड़ा शक्तिशाली अस्त्र समझते थे, यानी कि ब्रह्मास्त्र समझते थे आधुनिक शिक्षा को। ठीक फ्रेंड, ये सोचते थे कि जो निचली जातियों का विकास तभी हो सकता है वो पढ़े लिखे। ठीक फ्रेंड, ऐसे पढ़ाई लिखाई को ये शक्तिशाली अस्त्र समझते थे जनजातियों का विकास करने के लिए। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने निचली जातियों की लड़कियों के लिए अनेक स्कूल खोले। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, जो खुद एक अनुसूचित जनजाति के थे, पूरा जीवन जातिगत अत्याचार विरोधी संघर्ष को समर्पित कर दिया। ठीक फ्रेंड्स, यह बी आर अम्बेडकर की बात हो रही है। ठीक फ्रेंड्स, इन्होंने पूरा अपना छुआछूत को खत्म करने के लिए पूरा जीवन लगा दिया था, पूरा जी जान से। ठीक फ्रेंड्स, इसके लिए उन्होंने अखिल भारतीय संघ अनुसूचित जनजाति महासंघ की स्थापना की। ठीक फ्रेंड्स, ये देखिए, अनुसूचित स्थापना की अनुसूचित जनजातियों के लिए। ठीक फ्रेंड, अनुसूचित जातियों के दूसरे अनेक नेताओं ने, ठीक फ्रेंड, अनुसूचित जनजातियों के दूसरे अनेक नेताओं ने अखिल भारतीय वंचित वर्ग संघ की स्थापना की। ठीक फ्रेंड, जो दूसरे नेता थे उन्होंने अखिल भारतीय वंचित संघ वर्ग की स्थापना की थी। आगे देखते हैं। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, ये लास्ट पैरा है, केरल के। ठीक फ्रेंड्स, अब केरल की बात हो रही है, दक्षिण भारत की। केरल के श्री नारायण गुरु ने जाति प्रथा के खिलाफ जीवन भर संघर्ष चलाया। उन्होंने, ठीक फ्रेंड, उन्होंने ही मानव जाति के लिए एक धर्म एक जाति एक ईश्वर का प्रसिद्ध नारा दिया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जा सकता है, तो याद रखना, एक मानव एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा किसने दिया था, नारायण गुरु ने। ठीक फ्रेंड, दक्षिण भारत में, ठीक फ्रेंड, दक्षिण भारत में ब्राह्मण दक्षिण भारत में गैर ब्राह्मणों ने, ठीक फ्रेंड, यहाँ से है, दक्षिण भारत में गैर ब्राह्मणों ने 1920 के दशक तक एक आत्मसम्मान आंदोलन चलाया। ठीक फ्रेंड्स, दक्षिण भारत में गैर ब्राह्मणों ने 1920 के दशक में एक आत्मसम्मान आंदोलन चलाया था। तो यहाँ हमारा चैप्टर खत्म होता है। ठीक फ्रेंड, नीचे हमारे लिए कुछ पढ़ने के लिए है नहीं। ठीक फ्रेंड्स, तो आई थिंक यू एंजॉय द वीडियो। ठीक फ्रेंड्स, आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे। 5-7 दिन से इसकी वीडियो नहीं आ रही थी, उसके पीछे एक रीज़न था। ठीक फ्रेंड्स, तो मैंने बहुत सारे चैप्टर, हमारा जो मेन बात है, जो हमारा चल रहा है ना इतिहास का भंडारा, इन तीनों बुकों का निचोड़ मैंने प्रोवाइड कराना शुरू कर दिया है। तो आप जाके देख लें, हिस्ट्री मास्टर क्लास के नाम से वीडियो बना दी गई है और इन तीनों बुकों का निचोड़ लगभग 2000+ क्वेश्चन तक मैं करवा चुका हूँ। तो ठीक फ्रेंड्स, अगर किसी को बहुत ही A1 क्वालिटी की तैयारी करनी है यूपी लेखपाल UPBCS RRB NTPC के लिए, तो आप जाके कर सकते हैं, उन क्वेश्चनों को भी देखते रहें। ठीक फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। चैप्टर नंबर होगा 11। ठीक फ्रेंड, इस बुक में 13 चैप्टर हैं, 10 हमने कर लिए, 3 पेंडिंग है, तो वो भी हो जाएंगे। ठीक फ्रेंड्स, तो आप जुटे रहिए, तैयारी में लगे रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक एंड शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक फ्रेंड्स।